आज हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। बड़ा घटनाक्रम इस लिहाज से हुआ है कि जननायक जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। अटकलें काफी टाइम से थी, कयास काफी टाइम से थे, लेकिन औपचारिक ऐलान हो गया है। इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, इस बारे में ज्यादा चर्चा और जानकारी के लिए खुद वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनिल आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल आर्य जी स्वागत है। अनिल आर्य जी, कितना फायदा कितना नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान इस गठबंधन से? बेहतर जी, देखिए राजनीति में जब भी गठबंधन होते हैं तो उसका नतीजे निकलते हैं और अच्छे नतीजे निकलते हैं जिनके बीच में होता है। हरियाणा में जब पहले कांग्रेस के खिलाफ काफी सारे गठबंधन होते रहे हैं, आज बीजेपी के खिलाफ गठबंधन हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उसका पार्ट नहीं है, बीजेपी उनका पार्ट होती थी पहले वालों का, लेकिन आज का जो ये गठबंधन हुआ है ये बहुत ज्यादा पुरानी पार्टियों के बीच में नहीं है। अगर हम विश्लेषण के तौर पर ये मान लें कि इनेलो जैसा कि पिछले चुनाव में हमें देखने को मिला था, मोस्टली वोट जो है वो जेजेपी को ट्रांसफर होता नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई थी। लोकसभा के चुनाव में बहुत कम वोटें, 4-5% के आसपास वोटें आई थी इनको, और 5 सीटों के ऊपर तो ये लोग 5वें स्थान पर रहे थे, 5 सीटों के ऊपर चौथे स्थान पर रहे थे। सबसे ज्यादा वोट इनको गुड़गांव में मिली थी, इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य योगेंद्र यादव खुद यहाँ से चुनाव मैदान में थे, उनको सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर काउंटिंग के हिसाब से मिली थी परसेंटेज के। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरी थी तो 5 सीटों पर 5वें नंबर पर रही थी और 5 सीटों पर 4थे नंबर पर रही थी। बिल्कुल, और 4 सीटों पर इनको 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये इस मायने में ज्यादा रखते हैं, जब भी गठबंधन होता है तो वो बिल्कुल एज इट इज प्लस नहीं होता है। जब भी गठबंधन होगा तो कुछ वोट फुलो की पार्टियों को मिलती हैं और वो एक दूसरे के कार्यकर्ता, या खासकर इनेलो की मैं बात करूंगा, इनेलो गठबंधन में चुनाव लड़ती रहती है और हर साल हर इलेक्शन में उनका प्रयास रहता है कि बीएसपी के साथ या बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। इनको सारे वर्करों को इनको आदत है गठबंधन में काम करने की, लेकिन मुझे ये गठबंधन थोड़ा सा अननेचुरल नजर आता है। अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो इनेलो जो है वो गांव में ज्यादा प्रभाव रखती है और आम आदमी पार्टी शहरों में ज्यादा प्रभाव रखती है। इस हिसाब से इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी आज डिवाइड नहीं की है, लेकिन समझौता किया इन्होंने 7 और 3 पर। लेकिन एक लेकिन ये शायद यही फैक्टर तो नहीं है कि ठीक है, अगर इसी हिसाब से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक पार्टी गांव में ज्यादा प्रभाव रखती है, एक शहर में प्रभाव रखती है, और जब दोनों जुड़ती है तो मतलब दोनों जगह फायदा। बिल्कुल, कई बार ये कम्बिनेशन, जैसे बीजेपी भी इसी तरह की पार्टी थी जो शहरों में ज्यादा प्रभाव रखती थी और शहरों की वोट दोनों गठबंधन को वहां से मिल जाती थी बीजेपी की ओर से, और गांव में बीजेपी को वोट इनेलो के कारण मिल जाती थी। कई बार जब गठबंधन होता तो इसका फायदा होता है, कितना फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां अब की बार हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का काफी अच्छा नजर आता है। अगर विश्लेषण के तौर पर हम ये मान के चले कि पिछली बार से अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले थे, इनेलो को अगर हम विश्लेषण के लिए मान के चले कि जेजेपी में उतने इनेलो के ही वोट हैं, अगर विश्लेषण के तौर पर हम फिर रिपीट कर रहे हैं, तो फिर अगर उन वोट को जोड़ा जाए तो कितना फायदा होता नजर आ रहा है इस गठबंधन से? महेंद्र जी, मैं बिल्कुल, हरियाणा की 10 लोकसभा है, 10 की 10 लोकसभाओं का मैं दोनों पार्टियों का विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा दर्शकों को। जैसे अंबाला आरक्षित सीट है, यहाँ पर इनेलो की कुसुम शेरवाल, डॉक्टर कुसुम शेरवाल ने चुनाव लड़ा था, वो अब जेजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उन्हें 10.62% वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर ये रही थी और आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल को 63,600 वोट मिले थे, 3.67 वोट मिले थे। दोनों को मिला भी दिया जाए तो ये वोट परसेंटेज 15% से ज्यादा यहाँ पर नहीं बनता है। मुझे लगता है गठबंधन इस सीट पर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं। अगर सीधे सीधे आंकड़े देखे पिछली बार के देखे तो बिल्कुल ये आंकड़े हैं, इसमें निश्चित तौर पर स्थिति अलग हो सकती है, ये अनुमान का आंकड़े हैं कि ऐसा संभव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुरुक्षेत्र पर हम नजर डालें तो बलबीर सैनी जो थे वो इनेलो के कैंडिडेट थे और उन्हें 25% वोट मिले थे, 2,88,000 वोट मिले थे। बलविंदर कौर आम आदमी पार्टी की टिकट पे थे, उन्हें 2% वोट मिले थे। यहाँ ये गठबंधन प्रभावी होता नजर आता है कि यहाँ कोई अच्छा अगर कैंडिडेट आए किसी भी पार्टी से तो ये 30% के आसपास वोट दोनों की बन सकती है। सिरसा में ये गठबंधन निश्चित तौर पर प्रभावी रहेगा। इनेलो की टिकट पर, लास्ट टाइम इनेलो की टिकट पर
चरणजीत रोड़ी ने 39% वोट लिए थे और वो विन रहे थे यहाँ से, यहाँ इनेलो विन रही थी। आज भी जेजेपी वहाँ खूब अच्छी पोजीशन में हो सकती है। लेकिन इसी रोड़ी साहब तो अभी इनेलो के साथ ही है ना, अभी इनेलो के साथ है, वो बीच में आ भी गए थे जेजेपी में, लेकिन फिर से चर्चाएं हैं कि वो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अकाली दल से उनकी कोई बातचीत हुई है, 2-3 दिन पहले यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी सीट पर महेंद्र जी, इसी सीट पर आम आदमी पार्टी को 5% से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा था, पूनम चंद रथी जी ने चुनाव लड़ा था, वो काफी अच्छी पोजीशन में यहाँ हो सकता है दोनों का गठबंधन। हिसार सीट पर खुद जो पार्टी के मुखिया है इसके जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला, इन्होंने 42.75% यानी 43% के करीब वोट लिए थे। और यहाँ युद्धवीर खालिया रिटायर्ड आईएएस है, इन्होंने भी लगभग 2.5% वोट लिए थे। तो निश्चित तौर पर हिसार सीट पर भी ये गठबंधन थोड़ा मतलब हो सकता है, क्योंकि कांटे का मुकाबला पिछली बार देखने को मिला था, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत वोट बैंक इधर उधर होता है तो शायद फायदा हो जाए। बिल्कुल 30,000 वोट मिली थी इनको, 28,400 वोट जो काफी प्रभावी हो सकती है कांटे के मुकाबले में। और जब भी गठबंधन होता है तो कुछ वोट बढ़ती है, घटती नहीं है गठबंधन की वोटें। करनाल में जसविंदर सिंह को 16% वोट मिले थे, परमजीत सिंह आम आदमी पार्टी में थे उनको 2.5% वोट मिले थे, बहुत ज्यादा प्रभावी गठबंधन नजर नहीं आता है। सोनीपत के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो लास्ट टाइम पदम सिंह दहिया इनेलो की टिकट पे थे, जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और उन्हें लगभग 26.8 यानी 27% के आसपास वोट मिले थे। वहीं जयसिंह ठेकेदार ने 50,000 के करीब वोटें ली थी, 5% वोट इन्हें मिले थे, काफी प्रभावी हो सकता है, 30% से ज्यादा दोनों का वोट बैंक यहां जा सकता है। अब हम नजर दौड़ाते हैं रोहतक सीट पर, काफी हॉट सीट है रोहतक, यहां पर इनेलो की टिकट पर शमशेर खरखड़ा ने चुनाव लड़ा था, जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और इन्हें वोट मिले थे 14%। नवीन जयहिंद जो आज के आम आदमी पार्टी के मुखिया है, संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी में संयोजक को ही मुखिया माना जाता है हरियाणा के, उन्हें 4.47% वोट मिले थे, बहुत ज्यादा प्रभावी ये गठबंधन नजर नहीं आता, 20% से भी कम वोट इनकी रह जाती है। भिवानी महेंद्रगढ़ में इनेलो के राव बहादुर सिंह को 27% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी के ललित अग्रवाल को 2%, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन 30% का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है भिवानी भी। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव के जाकिर हुसैन इनेलो की टिकट पे थे, वो अब इनेलो में ही है, उनको 28% वोट मिले थे, और आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव को 6%। ये यहाँ पर भावी हो सकता है, अगर कोई कैंडिडेट अच्छा हो, कैंडिडेट सही है, ये गुड़गांव के अंदर ये शहरी पार्टी है, काफी बड़ा तबका इनका वो है, और दिल्ली से लगता भी है, दिल्ली से सबसे नजदीक है। फरीदाबाद में जो है इनेलो की टिकट आर के आनंद के पास थी, 12% के आसपास वोट मिले हैं, और आम आदमी पार्टी की टिकट पर पुरुषोत्तम डागर जी थे, जिन्हें लगभग 6% वोट मिले हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी यहाँ नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हिसार, सिरसा और सोनीपत में ये कुछ प्रभावी हो सकता है गठबंधन, इन 3-4 सीटों पे तो निश्चित तौर पर प्रभावी करेगा नतीजों को। जी बिल्कुल, और जो सीधा सीधा मैथमेटिक्स नहीं होता है गठबंधन का, राजनीति का, कई बार साइंस भी होती है, और ये देखने वाली बात होगी कि गठबंधन अपने आप में क्या कुछ गुण खिलाता है, क्या कुछ प्रभाव रख सकता है। हमने जो विश्लेषण किया है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आंकड़े इनेलो के उठाए गए थे, क्योंकि इनेलो में से ही जेजेपी निकली है, लेकिन विश्लेषण के लिए हमने इस तरह का कर दिया ताकि कोई आधार तो बने विश्लेषण करने का और आंकड़े आप तक पहुंचाने का। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।